नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियों के बीच एलपीजी का कनेक्शन वितरित कर उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने मजदूरों के लिए एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि अब उन्हें बिना किसी एड्रेस प्रूफ के भी गैस कनेक्शन मिल जाएगा। लोकसभा में मंगलवार को ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास हो गया है। इस बिल के पक्ष में कुल 385 वोट पड़े। इस बिल के तहत अब राज्य के किसी समुदाय को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार मिल गया है। यूपी की योगी सरकार इस साल 10,370 बेघर परिवारों को मकान के लिए ग्राम सभा की जमीन पट्टे पर देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही सरकार का इरादा भूमिहीनों को खेती के लिए विभिन्न जिलों में कुल 543 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का भी है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने मंगलवार को कहा कि भारतीय वायुसेना हाल की घटनाओं को देखते हुए अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। इसके तहत ज्यादा सटीकता से लक्ष्य पर हमला करना, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करना और नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भाजपा और जनता दल यूनाइटेड सहित 9 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी ठहराया है। मामला 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन नहीं करने का है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और राजनीति के अपराधीकरण में शामिल लोगों को सांसद और विधायक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 39 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है जबकि 41 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 11, 12, 13 और 14 अगस्त को प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 6 राज्य मार्गों को भारत माला फेज 2 में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई मुलाकात के दौरान इस पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार जीरो पेंडेंसी के साथ काम कर रही है और राज्य में अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटवारी, तहसील और डीएम के स्तर के लिए काम वही पूरे किए जाएंगे। अगर इस स्तर के काम शासन तक आए तो अफसरों का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार आम लोगों के हित में काम कर रही है और किसी भी काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवी मुंबई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक 15 साल की लड़की ने अपनी मां की कराटे बेल्ट से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि बाद में लड़की ने इसे आकस्मिक मौत का मामला बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की थी। तो फिलहाल आज की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।